हे फूडीज, व्हाट्स अप। दिस रेसिपी इज डेडिकेटेड टू ऑल बिरयानी लवर। जैसा कि आप समझ ही चुके हैं, यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुजराती दम बिरयानी रेसिपी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट तैयार कर हम इसको साइड में रख लेंगे। अब यहाँ मैंने 2 kg चिकन लिया है, जिसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। सॉल्ट, रेड चिली, टर्मरिक, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली का पेस्ट, मीट मसाला, देगी मिर्च, काली मिर्च को डालकर चिकन को हाथों की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। इस टाइम पर यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच कर्ड यानी कि दही डालकर हाथों की मदद से चिकन को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको 1 आवर के लिए मैरिनेट करने के लिए साइड में रख दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो आप 2 आवर्स के लिए रखें। यहाँ मैंने 1 kg अनियन लेकर उनको चॉप कर लिया है। गुजराती दम बिरयानी अगर आप बना रहे हैं तो जितना चिकन लें उतनी ही अनियन भी लें। अगर आप 1 kg चिकन ले रहे हैं तो 1 kg ही अनियन लें। इससे आपकी बिरयानी मसालेदार और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। मैंने चिकन 2 kg लिया था, बट अनियन 1 kg ली थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मसालेदार और स्पाइसी बिरयानी नहीं बनानी थी। अनियन को ऑयल में डालकर अच्छे से भून कर सेपरेट बर्तन में रख लें। यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता, जावित्री, दालचीनी। डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां देख सकते हैं। अब चिकन को भून लें अच्छे से। यहां मैंने 2 बड़े टमाटर, साबुत धनिया, सौंफ, दाल, थोड़ा सा पानी डालकर एक पेस्ट तैयार कर लिया है। इस पेस्ट को भी हम चिकन में ऐड कर देंगे और अच्छे से भूनेंगे चिकन को। 3 से 4 चम्मच दही लेकर, जो प्याज फ्राई किए थे उनमें से आधे प्याज मैंने यहाँ दही के साथ पीस लिए हैं, इनको भी हम चिकन में ऐड कर चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ मुझे इस पतीले में चावल बॉईल करने थे, इसलिए मैंने चिकन को कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है। जो मसाला मैंने अभी ऐड किया, ये मैंने गुजरात से मंगाया था मसाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चावल में 2 से 3 चम्मच ऑयल डालकर, कुछ गरम मसाले डालकर, नमक डालकर बॉईल कर लेंगे। चावल को आपको सिर्फ 90% पकाना है, ज़्यादा गलाना नहीं है और कच्चा भी नहीं छोड़ना है। 90% चावल को पका कर पतीले को नीचे से घी से ग्रीस कर मैंने लेयर लगाना शुरू कर दिया है। पहले मैंने राइस की लेयर लगाई है, देन उसके बाद चिकन की, फिर राइस की, चिकन की। बीच में मैंने धनिया पत्ती और भुनी हुई प्याज और फूड कलर से इसको गार्निश कर दिया है। मैंने यहाँ 8 से 10 लेयर लगाई है, क्योंकि मैंने 2 kg राइस और 2 kg चिकन की बिरयानी बनाई है। आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं, जितना आप बनाना चाहते हैं। इस तरह से लेयर लगा कर आपकी बिरयानी तैयार है। इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से कवर कर दम पर रखें। 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी बिरयानी पक जाएगी। जो 10% चावल गले नहीं थे वो भी प्रॉपर गल जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दें। मज़ेदार गुजराती बिरयानी तैयार है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। खाएं खिलाएं, खुश रहें।